नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राहुल गांधी इन दिनों समाजवादी सत्ता को चुनौती देने उत्तर प्रदेश में रोड शो कर रहे हैं। आज राहुल गांधी अपने काफिले के साथ रायबरेली पहुंचे, जहां कुछ स्टूडेंट्स काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करने लगे। अपने नेता के विरोध में काले झंडे को देखकर कांग्रेस के कुछ नेता भड़क गए और भड़क इस कदर गए कि गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। लड़कों की उन्होंने पिटाई कर दी। समाजवादी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस नेताओं की ये गुंडागर्दी कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये यूपी में सत्ता परिवर्तन के लिए रायबरेली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो है। मकसद था युवाओं को साथ लेकर समाजवादी सत्ता को चुनौती देना। तय कार्यक्रम के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। भीड़ थी, नेता थे, कार्यकर्ता भी थे। राहुल गांधी लोगों से विकास के वादे करते हुए अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे। बाइक पर सवार सैकड़ों युवा कार्यकर्ता अपने नेता के नारे को बुलंद करते हुए युवाओं को अपने साथ जोड़ने के नारे लगा रहे थे कि तभी अचानक तस्वीरें बदल गई। इस रोड शो के बीच अचानक कुछ लोग हाथों में काले झंडे लेकर पहुंच गए। ये युवा रायबरेली में राहुल गांधी के रोजगार और विकास के वादों को झूठा बता रहे थे, काले झंडे लहरा रहे थे। बस फिर क्या था, इन काले झंडों ने कांग्रेसी नेताओं के चेहरे गुस्से से लाल कर दिए और वो अपने नेता राहुल गांधी के विरोध करने वाले युवकों को सबक सिखाने पहुंच गए। इन लड़कों की पिटाई करने में कोई भी पीछे नहीं रहा। इनमें कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रमेश शुक्ल भी शामिल थे। अब अगर अध्यक्ष जी ही लड़कों के पिटाई के कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हों, तो कार्यकर्ता भला पीछे कैसे रह सकते हैं? मैं यहाँ पर सिर्फ शांत प्रिय रूप से, कोई हमें बदतमीजी कर रहा था ना, कोई अभद्र भाषा का यूज कर रहा था, सिर्फ मैं काले झंडे दिखा रहा था, ठीक है। और ये लोग कांग्रेस वाले आए हैं, जो भी नाम अभी हमारे बुजुर्ग ने लिया है वही सब लोग थे, उन्होंने हमें मारा है। अब बहुत मारा, थोड़ा नहीं, बहुत मारा। सभी लोग कांग्रेसी थे जितने भी थे। तो किसको झंडे दिखाए थे आप? हमने राहुल गांधी को झंडा दिखाया था, हमने काला झंडा दिखाया था, हमने इसलिए विरोध किया था कि यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ है रायबरेली में, कुछ नहीं रायबरेली विकास हुआ है। और सिर्फ यहाँ पे चुनाव टाइम में आते हैं, ऐसे किसी पब्लिक पास मिलने आते हैं क्या? कभी मिलने नहीं आते हैं। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन काले झंडे दिखाने वाले लड़कों की पिटाई कर रहे कांग्रेसी नेताओं की नजर जब मीडिया के कैमरे पर पड़ी तो उनकी चाल बदल गई। वो पिटाई छोड़कर दोबारा रोड शो में शामिल हो गए। हालांकि काले झंडे दिखाने वाले लड़के फिर जोश में आ गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। अपने रोड शो में राहुल गांधी का नारा किसान, नौजवान, महिलाओं और बेरोजगारों को साथ लेकर चलने का है, लेकिन विरोध के जवाब में कांग्रेसी नेताओं की ये गुंडागर्दी सवाल जरूर खड़े करती है। रोहित मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली, जी मीडिया।